आज आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा एक गरीब ब्राह्मण परिवार था उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोंचित गुणों का विकास हो रहा था वह लड़की सुंदर संस्कारवान एवं गुणवान थी किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे वो उस कन्या के से सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिप्रायण है यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव योग मिट सकता है साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबीन की सेवा करने की बात कही अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबीन के घर जाकर साफ़ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है एक दिन सोना धोबीन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता बहू ने कहा माँ जी मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर देती हो तो मैं देर से उठती हूँ इस पर दोनों सास बहु निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई सोना धोबीन पति प्रायण थी उसमें तेज था वह तैयार हो गई सोना धोबीन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे उसने अपनी बहू से अपने लोट आने तक घर पर ही रहने को कहा सोना धोबीन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया उसका पति मर गया। गया, उसे इस बात का पता चल वह घर से निराजल ही चली थी यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसके परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी उस दिन सोमवती अमावस्या थी ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई धोबीन का पति वापस जीवित हो उठा इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भावरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पढ़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भावरी देकर सोना धोबिन और गोरी गणेश का पूजन करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भावरी दी जाती है उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल मिठाई सुहाग सामग्री खाने की सामग्री इत्यादि की भावरी दी जाती है और फिर भावरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण ननंद या भांजे को दिया जा सकता है हमें आशा है कि आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद